नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। आज जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है जिला परिषद ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ जो है अध्यक्ष का इलेक्शन चल रहा था, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि एक तरफ का रिजल्ट हमने आपको दिखाई जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर दी। वहीं सुबह से जो यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हुए थे भाजपा के लोग कि वही उन्हीं का जो है जीत हो सकता है, क्योंकि हालांकि एक सिंपल था कि उनका जो कैंडिडेट है वहाँ पर ज़्यादा था, तो सिंपल यही था कि इन्हीं का जीत होगा, इसीलिए यहाँ पे बैठे थे। तो उनसे भी बात करते हैं क्या क्या हुआ आखिर कि उनको जीत हासिल नहीं हुआ। सभी को नमस्कार, मैं सारिका जिला परिषद मेंबर सीपी घाट से हूँ। मैंने कॉन्टेस्ट किया था अध्यक्ष के लिए और हमारे पार्टी के 10 मेंबर, हम लोग 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर से 2 मेंबर ने क्रॉस वोट किया है, जिसका नाम मैं बहुत गर्व से बोलना चाहूँगी कि एक है फरारगंज का जिला परिषद मेंबर बशीर और एक है दशरथ वर्मा जो है नील का है, और उन्होंने हम लोग साथ में थे, होटल में थे, खाए पिए सब साथ में, अभी आते वक्त मंदिर भी जाकर आए, नंदी भगवान से हमने सब शपथ भी लिया था कि हम लोग कोई क्रॉस वोट नहीं करेगा और हम लोग पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे, हम लोग 10 का 10 जाके अपना भाजपा में ही वोट डालेंगे करके। लेकिन बशीर और जो वर्मा है, जो फरारगंज और नील है, वो दोनों ने क्रॉस वोट किया, और बशीर का मांग था कि वो 4 लाख उसको चाहिए, 4 लाख देने से ही वो वोट देगा। ये मुझे पता चला उनसे जब मैंने संजय, हमारा जो कमेटी के 4 जन थे, एक प्रकाश अधिकारी था, संजय सिंह था, संपा मैडम थी और बशीर था, जो कमेटी का थे, जो हमारे इलेक्शन में जो है हमारे इंचार्ज थे, उसमें से संजय सिंह से मेरा सुबह बात हुआ कि भैया सब कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी पता चला है कि बशीर को 4 लाख चाहिए करके। हमने 4 लाख चाहिए बोला, हाँ हम उसको बोला है कि अभी तुम वोट दे दो, हम दे देंगे करके, अभी कुछ ले लो बाद में दे दो। फिर उसको समझाया भी था कि देखो तुम अपना ही है, अपना मेंबर कैसे पैसा पूछ सकता है, अगर कांग्रेस वाला पूछता होने से ही बात अलग है, लेकिन अपना मेंबर कैसे पूछ सकता है। लेकिन वो नहीं माना, लास्ट में वो अपना काम कर दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि पार्टी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इनको दोनों को तुरंत पार्टी से निकाला जाए और उनको आगे से ना टिकट दिया जाए ना ही वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते, क्योंकि ये हम भारतीय लड़की है और गरीब हूँ, क्या गरीब का हक नहीं होता है जीतने के लिए? हाँ, मेरा भी तो हक है जितना, क्योंकि बशीर भी खड़ा था इलेक्शन में उपाध्यक्ष में, हमने 1 रुपये किसी से ना लिया ना दिया, तो हमने बशीर को भी बराबर वोट डाला था। प्रमिला थी उनको भी मैंने वोट डाला था, संजय सिंह को भी मैंने वोट डाला उपाध्यक्ष में, और उपाध्यक्ष में भूमिनाथन था उनको भी मैंने वोट डाला, 1 रुपया ना हम लोग किसी से लिए, हम लोग ईमानदारी के साथ संगठन के साथ काम किए, संगठन हम लोग से जैसा बोला वैसा ही किए, हम लोग पर्टिकुलर एक आदमी के लिए काम नहीं किए, संगठन के साथ काम किए। अब मेरे साथ जब गलत हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि संगठन इसके लिए क्या एक्शन लेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये खुले हम भी आज के आज इसका होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलती हुआ है, जो मेरे साथ गलत किया है उनको सज़ा मिलना ही चाहिए, और ना उनको पार्टी कभी टिकट दे और ना ही वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत पाए, क्योंकि वो मेरे सामने हम उनसे निकले वक्त, क्योंकि हम बड़े हैं, उनका पाँव छू के निकले कि भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जीत के ही आए, लेकिन उसने मेरे साथ गद्दारी की। तो अभी मैं हमारे MP जो होने वाले सांसद श्री विष्णुपत जी से अनुरोध करती हूँ, और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी से भी अनुरोध करती हूँ, और पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि उन्हें पार्टी से जल्द निकाला जाए, और मैं चाहती हूँ कि आज की आज निकाला जाए। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को प्रणाम देती हूँ। मैम, एज मैम संपा जी हम लोगों के साथ है, जो यहाँ का इलेक्शन का इंचार्ज है, मैम कहीं ना कहीं से इनका भी बहुत बड़ा बयान था कि पैसा चला है, ब्राइब का एक वर्ड आता है मैम आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पब्लिक में इलेक्शन रिफ्लेक्ट कर सकता है। अभी आने वाले दिन में हम लोग का नॉर्थ मंडल में भी इलेक्शन होने वाला है, तो कहीं कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट, आपको क्या इसमें बोलने वाला चाहिए? बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा संस्कार में नहीं है। क्योंकि जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर कोई जीत कर आते हैं, कार्यकर्ता वहाँ पे हज़ारों काम करते हैं, कोई एक जन को टिकट मिलता है पार्टी का तरफ से, उनको इतना मदद मिलती है, अकेला कोई इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। जब पार्टी का टिकट का वगैरह आप जीत नहीं सकते हैं, पार्टी का टिकट लेने के बाद जब पार्टी का ज़रूरत होता है, एक महिला जब रिजर्व एरिया में है, आज अगर इनका ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, और 2 महिला जो जिला परिषद मेंबर थे उनका होना चाहिए था, उनका तरफ से पूरी तरह से समर्थन था, तो पुरुषों को ऐसा क्या तकलीफ हो गया कि उनको पैसा चाहिए? इनसे पैसा कब लिया जाता है कि मैं भी कंपिटिटर हूँ, ये भी कंपिटिटर है, दोनों को टिकट चाहिए था, दोनों को चाहिए था कि ये अध्यक्ष मुझे मिले, तब मैं बोल सकती हूँ ठीक है मैं सेक्रीफाइस करूँगी तो मुझे पैसा दीजिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बात ही नहीं था। तो ये जो 2 पुरुष का नाम लिए है यहाँ पे, एक दशरथ वर्मा नील से जो जीत कर आए हैं, और एक फरारगंज से जो हमारा फरारगंज तहसील से जो हमारा ये बशीर अब्दुल बशीर, ये दोनों का जो नाम आया है, ये दोनों ने पैसा का डिमांड किए, तो ये कितना बड़ा गद्दारी है आप सोचिए। ये हमारा अंडमान को कितना गलत दिशा में लेके जा रहा है। आने वाला दिन में जो आने वाला यूथ, हम लोग जिनको बोल रहे हैं आने वाला भविष्य, आप लोग भी पार्टी से जुड़िए, राजनीति में आप लोग जुड़ी भी, ये भी एक हमारे लिए एक ये बन सकता है, हमारा आने वाला कैरियर आपके लिए चुन सकते हैं आप,
क्या ये दिखाएंगे हम? ऐसा नेता निकलिए, ऐसा नेता को सस्पेंड भी होना चाहिए। आने वाला दिन में ये भी हम बोलेंगे वहाँ का जो एरिया से वोटर्स है उनको बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि ऐसा लोगों को नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है जो पैसा का लेके इस तरह से घोटाला करते हैं। एक महिला का, जब एक साधारण घर की एक गरीब महिला को क्या अधिकार नहीं है? इलेक्शन से पहले अगर पैसा का मांग करे है तो आपको लगा नहीं कि ये पलट सकता है बाद में जाकर जब इलेक्शन होगा तब? बिल्कुल पहले से कोई बात नहीं था, क्योंकि एक साथ होटल में दो दिन से एक ही होटल में सब रह रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे, हम भी वहाँ पे कई घंटों तक इन लोगों के साथ में समय बिता रहे थे। कल भी शाम को विष्णु दादा, बाकी सारा वरिष्ठ अजय दादा, सब हम लोग जाके बैठक भी लिए। किसी को कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी तरह का बात है, किसी का मन में कुछ है, पूछे, पूरे ओपन पूछे वो बात, तब कोई भी बात नहीं है। सबको अलग अलग से भी बात किया गया, कुछ भी बात ऐसा नहीं आया निकल कर। मैम विद इन टू डेज हम लोग नॉर्थ पटेल में जो इलेक्शन होने वाला है मैम, तो उसमें इस तरह का ब्राइब का जो एक वर्ड जो है वो नहीं आने के लिए आप लोग किस तरह का आप लोग काम करेंगे और एक्शन लेंगे बताइए? पहला बात, वो तो अभी इलेक्शन बाकी है, लेकिन जो हुआ है आप देखेंगे बाकी 8 मेंबर भी तो है। जैसा सारिका जी ने बताया, वो तो एक पैसा आज तक नहीं लिए, वो गरीब घर से बिलोंग करती है, वो तो चाहे तो शुरुआत से ही वो पैसा ले सकती थी, आज वो सब उसको पैसा देने के लिए दिक्कत नहीं आता था। वो शुरू से जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, इन दोनों से अगर दो बार वो पैसा ले ली होती तो आज उनको प्रॉब्लम नहीं आता ना। तो ये 8 जन जो वोट किए हैं, तो लगातार जो करके आ रहे हैं, तो इन लोग तो कोई पैसा का डिमांड नहीं कर रहे। अभी एक दो लोग, ये जो चेहरा है, इन लोगों को आइडेंटिफाई हमें करना है। ऐसा लोगों को नेता बनने का अधिकार नहीं है, समाज के लिए ये घातक है, क्योंकि हम समाज सेवा कर रहे हैं, अपना जेब से पैसा फूक के हम काम करते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं है आप किसी और किसी से ऐसा शोषण करें। ये तो एक तरफ से एक गरीब महिला का शोषण है ना, आपको कैसे भी पैसा उधार लेके किसी से भी करके आप पैसा लगे दो, ताकि आप इलीगल कमाई करके पैसा जमा करो, फिर चोरी करो, ये सिखाया जाता है। एक महिला ऐसा नहीं कर सकती, सॉरी। सुबह सुबह पता चला इनको 4 लाख एक जन का डिमांड है, दूसरा का क्या डिमांड है पता नहीं चला, लेकिन मन में शायद वो कांग्रेस से पैसा ले लिए। ये कांग्रेस का विचारधारा होगा कि पैसा लेके खरीदना। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, एज इलेक्शन इंचार्ज आपका नॉर्थ मेडल इलेक्शन में, आपका क्या सोच है किस तरह का आपको? सॉरी, मैं नॉर्थर्न मेडल का इंचार्ज नहीं हूँ, मैं साउथ अंडमान जिला का इंचार्ज थी, एज ए हेड के हिसाब से पूछ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वहाँ में सारा अच्छा होगा, ऐसा पैसा से कम नहीं होगा। मनभेद हो सकता है, देखिए मतभेद हो सकता है, आपस में ये कंपटीशन हो सकता है, लेकिन पैसों से अपना पार्टी का लोग ये खरीदा बेचा जाना नहीं चाहिए, ये गलत है। हम बाहर का किसी पार्टी को, अगर हमें मेंबर का शॉर्ट होता है, हम बाहर किसी को पैसा से लेना वो अलग बात है, लेकिन अपना ही पार्टी को अगर पैसा का डिमांड करते हैं ये गलत बात है। यही वशीत जी से मैंने खुद कई घंटों तक बात की है कि ये देखिए एक गरीब महिला है, इसको हमें पार्टी की तरफ से हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इतना अच्छा से बात करने का मतलब ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये गलत बात है। ये विचार अगर है किसी का दिमाग में, ये निकल कर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हम आने वाला दिन में बहुत अच्छा राजनीति देखना चाहते हैं। विष्णु जी का नेतृत्व में हमारा अंडमान में बहुत अच्छा राजनीति, पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा, जहाँ में इस तरह का गलत लोग नेता ना रहे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्योंकि हम लोग एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते, तो दशरथ जी को तो मंदिर में लेके नंदी के सामने में शपथ कर लिए थी इतना अच्छा से, उसके बाद वो ऐसा कर रहे बोलते, तो इससे बड़ा दुख कुछ है नहीं। ये राजनीति तो यही ख़त्म करना है कि आगे जाके जो न्यू जनरेशन है उनको ये संदेश ना पहुँचे, और इनको अभी से और वो सोच रहे हैं कि हम ओल्ड एज पेंशन या और कुछ कुछ करके जीत जाएंगे। हम आप सबको बोल रहे हैं कि ऐसा राजनेता जो भी है पैसा दे के वोट लेता उसको वोट मत दीजिए, और पैसा दे के मत जिताइए जो कि आगे जाके इस तरह का काम करे। धन्यवाद। कंफर्म है आप लोग कि ये दो कैंडिडेट ही थे? कंफर्म है, एकदम कंफर्म है, हमने चेक कर लिए, हमने चेक कर लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ अंडमान, इस तरह नेता को तो डायरेक्ट आज ही टर्मिनेट करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा जुरिसडिक्शन में आता है साउथ अंडमान, शहीद दीप, सराज दीप एंड हडवे लिटिल अंडमान, ये तीनों का अगर कोई भी नेता इस तरह करता है मैं खुद लिखूंगा स्टेट प्रेसिडेंट को, कॉपी टू डायरेक्ट नेशनल प्रेसिडेंट को दिखूंगा, आज ही लेटर बनाऊंगा, वो चाहे किसी का भी कुछ है मेरा लेटर पैड में एक कॉपी जाएगा, जो सारिका जी के साथ में ये नाइंसाफी किया उसके लिए मैं खुद लिखूंगा, कॉपी एक जाएगा डायरेक्ट हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को, और महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट को भी कॉपी दे दूंगा, और हमारे जो कैंडिडेट था हमारा विष्णु दादा उनको भी एक कॉपी दे दूंगा, और डायरेक्ट नड्डा जी को लिखूंगा आज ही के आज ही, और ये पॉइंट हम सारिका जी के साथ डिस्कस करके आज क्या हुआ इसके लिए हम तुरंत एक्शन लेंगे। इसके लिए वर्मा जी हो चाहे फरारगंज का, वो एक मोहम्मदन लड़का हो के, वो एक फरारगंज पूरा बंगाली एरिया है, उसको हम लोग बंगाली एरिया से जिताया। आप सोच के देखिए बशीर के लिए हम लोग कितना मेहनत किया,
वो आप सोच भी नहीं सकता कि बंगाली एरिया से वो जीत के आया, और बंगाली हिंदू, पूरा हिंदू बेस एरिया था फरारगंज, वो सोच नहीं सकता था वहाँ में हमारा जो मीठा गाड़ी का जो पुराना एक्स प्रधान था वो भी हमारे साथ में बहुत मेहनत किया यार, वो एरिया में जीतना बोलने से इतना टफ चैलेंजिंग उसके लिए था बशीर के लिए, फरारगंज एरिया से उसको जिता के हम लोग भेजे जिला परिषद के लिए, और वो कैंडिडेट आज सारिका जैसा आज अध्यक्ष के चुनाव में गद्दारी किया कांग्रेस के लिए। पैसा अगर उसको इतना ही है पैसा, तो पहले ही कांग्रेस में चले जाना था ना, पार्टी भी बीजेपी पार्टी का ये इतना ये आपको जो एरिया से जीत के आया, मैं तो वहाँ में खुद ही जाके प्रचार करने वालों की दोबारा उसको वो इलेक्शन में कोई ना जिताए, कोई एक एक आदमी सिंगल हुआ में वोट ना करे, इस तरह गद्दार आदमी को कौन वोट करे। तो आप लोग चुन के जो भेजते हैं गांव से और वो आके जिला परिषद, एक साल का एक टेन्योर पीरियड होता है, तो एक साल साथ में मिल के रहो ना, एक साथ मिल के काम करो ना, तभी तो अपना अपना एरिया में अपना काम करके दोबारा चुनाव में आने से तब जाके वहाँ में आप जीत पाएंगे। इस तरह गद्दारी करके आप लोग गांव से जीत के आते हैं, अगर इस तरह करते वो गांव का आम जनता को क्या मालूम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्शन होगा मेरा तरफ से, तो मैं खुद लिखूंगा और सारिका जी के साथ में बैठ हो जो उनको एक कॉपी दे दूंगा। थैंक यू। आप लोग आपने देखा कि हम भाजपा के जो भी कैंडिडेट है और जो भी कार्यकर्ता है उनसे बात किया है, और वो लोग जो है बहुत ही खफा है उनके दो कैंडिडेट से। जैसे कि मैंने कहा बीजेपी के जो मेंबर थे वो 10 लोग थे और कांग्रेस के साथ और इंडिपेंडेंट एक थे, उसके बावजूद जब कांग्रेस जीत हासिल करती है 2 वोटों से, इनका कहना है वो दो जो मेंबर थे उनका नाम लेकर कहना है कि उन्होंने गद्दारी की है और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और पार्टी सदस्य है उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।